हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, ये एक पेपर है जिन्होंने हमारे एक दोस्त ने शेयर किया है हमारे साथ, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सा प्रॉब्लम है और क्या क्या करना है आपको, ये यहाँ पर मैं बता देने वाला हूँ, ठीक है। ये तो ऑरम, ठीक है, डक्टाइल मीटर ऑरम, ठीक है, ये तो सही है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें ये 14 होगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये मुझे मालूम नहीं है, ये तो कार्पल से ऑप्शन 2 है, ठीक है। तो ये कार्पल से, ठीक है, और चूजन ऑप्शन भी 2 है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में इसको करो तो ठीक है, -10 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 ऑप्शन इम्प्लिसिट है, आपका क्या आंसर दिया है 4। बोथ ऑप्शन 1 and 2 फॉलोज। ड्यू टू द हैवी रेन इन बेंगलोर द नॉर्मल लाइफ ऑफ द सिटीजन आर पैरालाइज्ड। गवर्नमेंट शुड टेक्स मेजर टू हेल्प द पीपल एंड अवॉइड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ओनली कंक्लूशन 1 फॉलोज, ये ठीक है, ठीक है। बोथ ये यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद डीएनए दैट प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द चेन, द यूनिट ऑफ डीएनए, द यूनिट ऑफ डीएनए इज चेन, ठीक है। इसमें चूजन ऑप्शन 3 है, ये तो करेक्ट है आपका। तो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, बीएसी, तो ये भी 55 होगा, ठीक है। किसके साथ रिलेशन मांगा है, मेल हस्बैंड एंड मॉडल, ओके, मेल हस्बैंड एंड मॉडल, ठीक है। ये चूजन ऑप्शन 4 है, ठीक है, चूजन ऑप्शन भी 4 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूजन ऑप्शन 1 है, ठीक है, 75%, ठीक है। ये बायोगैस का एक क्वेश्चन और एक यहाँ पर है, ठीक है। और बायोगैस के क्वेश्चन में मीथेन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, मीथेन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। तो इसमें मांगा है क्या, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन 4 नहीं जाएगा, यहाँ से मैच करना दिया है, ठीक है, ठीक है। ये छोड़ना था क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पे ये छोड़ना था, ये सब क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको छोड़ना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो ये, ठीक है, 9 में 17 इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम दिखाना चाहते हैं 27, 30, ओके, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर इम्प्लिसिट, ओके, इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। During an exam, the invigilator said, if anyone tries to copy, I will cancel their exam. That means we can definitely assume that some students are copy during the exam. So, he is telling this, okay? And students should not copy during the exam. Okay, they should not, and यहाँ पर will not लिखा हुआ है. तो आपने आंसर दिया, both assumption 1 and 2 are implicit. ठीक है, उन्होंने आंसर दिया है, और आपने जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन 2, ओनली assumption 1 इज implicit. ठीक है, स्टूडेंट्स विल नॉट कॉपी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कंप्लेन लॉन्च करना है, ठीक है। एक कंप्लेन लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करो, देखो इस आईडी नंबर को याद रखो, और आईडी नंबर को 739, ठीक है। देखो लिंक अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो मैं अभी बोल नहीं सकता। लिंक जब ओपन होगा मैं दिखा दूंगा जी कैसे ये किया जाए, ठीक है। आपको वहाँ पर क्वेश्चन आईडी डालना है, आपका क्या कंप्लेन है वो लिखना है, ठीक है। मैं दिखा दूंगा, मैं एक कैंडिडेट का दिखा दूंगा, आप सब देख लेना कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है, ठीक है, देखिए सम स्टूडेंट्स कॉपी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है, इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स विल नॉट कॉपी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आप ये किसे बता सकते हो, जे और ये वार्निंग है,
ठीक है, एक तो वार्निंग है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये वार्निंग है, इफ़ एनीवन ट्राइज टू कॉपी आई विल कैंसिल देयर एग्जाम, ये वार्निंग है। तो वार्निंग की जो स्टेटमेंट अजम्पशन होता है तो उसमें माना जाता है कि जो वार्निंग दे दिया गया है उस वार्निंग में वो काम नहीं करेगा, ऐसा भी सोच रेलवे का हो सकता है। लेकिन आपको मैं कहूँगा यहाँ पर आपको कंप्लेन एक लॉन्च करना है, ठीक है। इसमें मुझे 50-50 लगता है, मुझे 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि ये वार्निंग है। तो वार्निंग का जो स्टेटमेंट अजम्पशन होता है ना, वार्निंग का स्टेटमेंट अजम्पशन में क्या कहता है, वार्निंग का स्टेटमेंट अजम्पशन कहता है कि अगर कोई वार्निंग है तो वार्निंग इसीलिए दिया जाता है कि वो वार्निंग आप सुने, इसलिए वार्निंग है, ठीक है। तो ये 50-50 चांस है, कन्फर्म नहीं हूँ। लेकिन और जो क्वेश्चन है, देखिए देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये तो सही है आपका 29-30, इसमें मैं कन्फर्म हूँ, विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस। बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, तो आपने चूजन ऑप्शन टू क्या आपका सही है, इसमें आपका कन्फर्म 100% मिलेगा, ठीक है। कोई रेल कुछ भी अगर बोल देता हो तो नहीं होता ना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, देखिए 32, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन तमिलनाडु आर फेसिंग एक्यूट पावर शॉर्टेज, ठीक है। सो द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू सॉल्व देयर पावर क्राइसिस, ओके। सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट शुड शट डाउन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेव पावर, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली ये फॉलो नहीं कर सकते, टू सेव पावर यू हैव टू शट डाउन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओके, यू हैव टू कीप स्टेप्स टू सॉल्व द पावर क्राइसिस। सो ओनली कंक्लूशन वन फॉलोज आई थिंक, ओके। सो इसमें आपका करना ही करना है। देखिए क्वेश्चन आईडी नंबर क्या है, 132, या 132 नंबर क्वेश्चन का आपका अटेम्प्ट, मतलब आपका जो आपका जो कंप्लेन है वो कंप्लेन यहाँ पर लॉन्च करना है, ठीक है, आईडी देकर। और कैसे करेंगे हमें, मैं वीडियो करके बता दूंगा, ठीक है। और ये आपका गलती है, न्यू, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, ऑक्टेव न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का लास्ट एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है 73, राइट, 73 में ये वाला सही था आपका, 73, 49, 52, 73, ठीक है। 73 में देखो, इसमें जो है कि आप x took a loan from y on compound interest, find the rate per annum, after 3 years x paid 1500 to clear his loan, okay, and after 3 years x paid 500 as interest, so either 1 or 2 is sufficient to answer the question, I don't think so, इसमें क्या होगा, इसमें both are sufficient to answer the question, ओके, सो इसमें आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपका क्या रहा, आपका ऑप्शन ये, ठीक है, चूजन ऑप्शन टू, तो इसमें आपको कंप्लेन करना है। देखो तो मैं फिर बोल देता हूँ, 30, क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 73, इन तीनों क्वेश्चन में आपको कन्फर्म कंप्लेन करना है और इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। 27 आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट द कम्प्लीट लॉजिक, ओके,
आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट ऑल द लॉजिक, बट क्वेश्चन नंबर 30, 32 and 73 आई एम श्योर. ओके, और किसी बच्चों का ये सेट होगा, तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि और कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या नहीं. ठीक है, मैंने एक बार चेक कर लिया है. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम तो मुझे और नहीं मिल रहा है. ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन में आपका डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. तो देखते रहिए, और भी बहुत सारे वीडियो हम लेके आएंगे. ठीक है, और भी कोई पीडीएफ मिल जाए उसको डिस्कशन पेपर में डिस्कशन करना होगा तो हम जरूर कर देंगे. ठीक है, थैंक यू.